नमस्कार, आप देख रहे हैं जी ई न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुरसंडी पंचायत में उपस्थित हैं और सभी जन वितरण प्रणाली के जितने भी दुकानदार हैं सभी के यहाँ अचानक जिला की एक टीम आकर छापेमारी कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। प्रत्येक डीलरों के यहाँ उनके स्टॉक की जांच हो रही है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर बहुत सारे उपभोक्ताओं की शिकायत है कि राशन देने में भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे उपभोक्ताओं की शिकायत है कि सरकारी दर से अधिक भी लिया जाता है। और अभी हम 12 डीलर के यहाँ प्रयास करेंगे तमाम जो डीलर लोग हैं सभी के यहाँ जो है छापेमारी चल रही है। क्या मतलब क्या अनियमितता पाई गई आपके यहाँ? कौन सी चीज़? हमारे यहाँ तो 52 किलो हमारे यहाँ माद गेहूँ बचा स्टॉक। अच्छा, तेल है 200 लीटर है। हाँ। जो पत्नी को तबीयत खराब होने के कारण हम वितरण नहीं कर पाए, जो कैंसर हो गया उसकी सर्टिफिकेट मेरे पास। हाँ। दूसरी नंबर हरजन के बारे में जो होता है भेदभाव रखना। हाँ। ये सब ये हरजन ने पूछा जाए। लेकिन एक शिकायत और भी आई है कि जो दर है उससे अधिक लिया। ना ना ऐसा कोई बात नहीं, नहीं 3 रुपए अच्छा बोला, 2 रुपए मिलता है। और तेल भी आप लोग यहाँ से उसका वितरण तो आप लोग नहीं, तेल का वितरण किए थे स्टॉक में, नहीं किया स्टॉक में, कहाँ से आ गया? अभी आप लोगों को मिल रहा है? अभी तक हम लोग के ये गेहूँ चावल मिलता है, तो मिट्टी का तेल मिलता है और शक्कर वगैरह सब ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलता है। अफवाह में लोग और के फैला दिया ये लोग कौन जी ये अच्छी दाल मिलता है, तेल मिलता है, नमक मिलता है, चीनी मिलता है। नहीं, नहीं, एक पूरे पंचायत का आदि टूट पड़ा जो अब दीजिए का है नहीं, क्योंकि ऑफिस जाके पता करें, हमसे झगड़ा करने से कुछ मिलेगा नहीं। अब पहले वाला बात नहीं पूछा जाए, रेगुलर अनाज वितरण होते जा रहा है, रोस्टल के हिसाब से मिलता है, रोस्टल के हिसाब से बंटवारा करते हैं। स्टॉक कितना हुआ सभी? 52 किलो सिर्फ गेहूँ गेहूँ है, 52 किलो गेहूँ है, 200 लीटर तेल है, वो भी तेल खत्म हुआ रहा था, पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण बंटवारा 455 लीटर जी। तो अभी पारस जी हमारे सामने हैं, अपने पक्ष को रखे हुए हैं कि इनके पास जो है किसी तरह का अनियमितता नहीं पाई गई है। फिलहाल जो जांच हुई है, अगर इनके पास नियम के अनुसार इनके पास कोई राशन लेने जाता है तो बोलते हैं कि आप पैक्स पे जाइए, ठीक है, भले ही उनका घर बगल में क्यों ना हो, क्यों ना हो उनका घर बगल में। लोगों को धमकाया जाता है, गाड़ी से खींचने तक का कोशिश किया जाता है। मेरे पास मैम सारा एप्लीकेशन दी है। आपको क्या कहना है इस बारे में जी? ये ऐसा क्यों कह रहा है? हमारे पास ये सब चीज़ मैम लाल उनके द्वारा किया जाता है, वो तो गाड़ी स्कॉर्पियो से आदमी को मारने की कोशिश की। क्या नाम है आपका ये बताइए? राम विद्या राम। या कौन से सेंटर के कार्ड धारी है आप? हमसे 5 साल लिया है, 5 साल राशन मिला है। किस महीने का मिला है? अगला महीना मिला है। महीने का नाम बताइए ना, अगला महीना कुछ महीने का आगे मिला है। जनवरी का मिला है कि फरवरी का? फरवरी का मिला है। 5 लोग का, ठीक है, चलिए। मतलब क्या कंप्लेनर के द्वारा चल रहा है कि कुछ सर्च अभियान जिला से कुछ आदेश हो कर आया है? जिला से आदेश मिला है जी, प्रखंड के 3 पंचायतों में जांच करने के लिए, जिसमें से हमें मोरसंडी पंचायत की जांच जी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धांधली चल रही है, जो बहुत सारे लोगों के कंप्लेनर का ये भी कहना है कि का सरकारी दर से भी अधिक पैसा लिया। अभी हम जांच कर रहे हैं, जब हम जांच कर लेंगे तो कितने पंचायतों में मैम आपका ये सर्च? हमें मोरसंडी पंचायत, केवल मोरसंडी पंचायत। हाँ। और पंचायतों में अलग अलग पदाधिकारियों को जी जांच पदाधिकारी से स्पष्ट मालूम पड़ेगा। आगे भी पंचायत के अंदर प्रत्येक डीलरों के यहाँ जाँच परख चल रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार धर्मचंद यादव।